अगर आप ऊंचे ऊंचे खतरनाक झूले और टेढ़े मेढ़े गाड़ी के सफर का बिना तबीयत खराब किए मजा ले पाते हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि दुनिया के एक तिहाई लोग ऐसे मौकों पर अच्छा महसूस नहीं करते। जिंदगी का सफर है ये तैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। आपने अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे, शायद आप खुद ही, जो किसी बस, नाव, प्लेन या किसी झूले में उल्टी के बिना नहीं रह पाते। और ये दिक्कत इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी होती है, शायद आपके कुत्ते बिल्ली को भी होती होगी। इंग्लिश में इस कंडीशन को मोशन सिकनेस कहते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मोशन सिकनेस है क्या, तो आइए वीडियो देख लेते हैं। सारे तुम भी आ जाओ सारे। इतनी सामान्य समस्या होने के बाद भी वैज्ञानिक इसके पीछे का सही कारण नहीं समझ पाए हैं। पर सबसे ज़्यादा सहमति पाने वाली थ्योरी हमारे आँख और कान के मिसमैच यानी असंतुलन को दोषी ठहराती है। तो जब भी हम एक गाड़ी में बैठे होते हैं, हमारी आँखें हमारे दिमाग को बताती हैं कि हम एक जगह बैठे हुए हैं, हिल नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे कान हमारे दिमाग को बताते हैं कि हम तेज़ी से भाग रहे हैं। एक मिनट, कान? जी हाँ, सुनने के साथ साथ हमारे कान का एक और ज़रूरी काम होता है। हमारे कान के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें कुछ तरल पदार्थ और बाल भी होते हैं। और जब हम हिलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा होते हैं, तो ये तरल पदार्थ भी हिलता है। और इसी तरल पदार्थ के हिलने से हमारे दिमाग को ये पता चलता है कि हम हिल रहे हैं। ये सिस्टम आपके दिमाग को छोटी से छोटी जानकारी भी देता है, आप आगे जा रहे हैं या पीछे, तेज़ जा रहे हैं या धीरे, यहाँ तक कि आप कौन से एंगल पे हैं, ये भी दिमाग को यहाँ से पता चल जाता है। तो गाड़ी में बैठे होने पे आपका वेस्टिबुलर सिस्टम कहता है कि आप गाड़ी की स्पीड से भाग रहे हैं। वहीं आपकी आँखें गाड़ी के अंदर बैठकर ये नहीं देख पाती। और अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हो तो क्या ही कहने। इसका एकदम उल्टा भी हो सकता है। जैसे अगर आप कोई मूवी देखें जिसमें कैमरा यहाँ से वहाँ घुमाया गया हो, जैसे वर्चुअल रियलिटी वीडियोस जिसमें आपकी आंखें देखती हैं कि आप कभी पहाड़ों या कभी झूलों में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, ऐसे समय में आपके कान तो कहते हैं कि आप स्थिर हैं, एक जगह पर बैठे हैं या खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ आपकी आंखें हिलने का सिग्नल देती है और कन्फ्यूजन बढ़ता है। माना जाता है कि इसी कन्फ्यूजन की वजह से हमारी तबीयत खराब होती है। चलिए अगर मान भी लिया जाए कि ऐसा होता है, लेकिन फिर हमें उल्टी क्यों होती है? इस कंफ्यूजन का उल्टी से क्या मतलब? वैज्ञानिक इसके कारण को लेकर भी श्योर नहीं है, लेकिन कुछ के पास इसका भी जवाब मौजूद है। तेजी से चलने वाली गाड़ियाँ, झूले और इस तरह की फिल्में तो कुछ ही सालों पहले आई हैं। इससे पहले इस तरह का कन्फ्यूजन पैदा करने वाली चीज़ें कम ही होती थी, बजाय एक चीज़ के, जहर। क्योंकि जहर हमारे लिए हानिकारक होता है, हमारे शरीर का एक खास तरीका है उसे बाहर निकालने का, उल्टी करके। ये थ्योरी काफ़ी हद तक हमारे सवाल का जवाब तो दे देती है, लेकिन कुछ सवालों को अभी भी अधूरा छोड़ देती है। जैसे कि कुछ ही लोगों को ये मोशन सिकनेस की दिक्कत क्यों होती है, औरतों में ज़्यादा, आदमियों में कम क्यों होती है, ड्राइवर से ज़्यादा पीछे बैठने वाले को दिक्कत क्यों होती है, वगैरह वगैरह। एक स्टडी के मुताबिक इसके पीछे जेनेटिक्स का भी हाथ हो सकता है। कुछ लोग आँख और कान के बीच के इस कन्फ्यूजन को ज़्यादा महसूस कर पाते हैं, ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और उनकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब होती है। गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को रास्ते के मोड़ पहले से ही दिखते हैं, इसलिए उनका कन्फ्यूजन कम रहता है। कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि बार बार आदत डालने के बाद मोशन सिकनेस की दिक्कत कम होने लगती है। जैसे पायलट्स, नाव चलाने वाले लोग, एस्ट्रोनॉट्स एक्सपीरियंस के साथ बेहतर होते रहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स? जी हाँ, नासा में जहाँ एस्ट्रोनॉट्स कुछ 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्पेस की तरफ भेजे जाते हैं, मोशन सिकनेस एक बड़ी परेशानी है और उसके सॉल्यूशंस ढूंढना भी नासा का एक बड़ा काम है। इतना समय और रिसर्च के बाद भी हम पक्का नहीं कह सकते कि मोशन सिकनेस क्यों होती है, पर हमने इसको ठीक करने के लिए कुछ नुस्खे ज़रूर ढूंढ लिए हैं। जैसे गाड़ी में बैठे बाहर एक जगह पे देखना, ताकि हमारी कानों के साथ साथ हमारी आंखें भी देख पाएं कि हम इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं, च्युइंगम खाना, कुछ दवाइयाँ लेना, वगैरह वगैरह। लेकिन इन नुस्खों का भी मोशन सिकनेस के पीछे के कारण की तरह कोई भरोसा नहीं है,
और ये प्रश्न हमें ये महसूस कराता है कि इतनी तरक्की और रिसर्च के बाद भी हमारे पास कितना कुछ है अपने इस शरीर के बारे में जानने को। तो अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है जानने को तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।